पर अचानक से ये वैष्णो देवी के दर्शन का प्रोग्राम कैसे बन गया? आरती, बच्चे अपनी माँ से मिलने क्यों जाते हैं? माँ के दर्शन के लिए सबसे बड़ी वजह श्रद्धा होती है, और वैसे भी हमने तुम्हारे और हमारे बच्चे की सलामती के लिए माँ से मन्नत मांगी थी। अरे उठ गया उठ गया उठ गया। निन्नी खुल गई आपकी। भारती, मां ने अपना फर्ज निभाया है, अब हम बच्चों की बारी है। बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि छुटकू का नामकरण भी वहीं वैष्णो देवी में कर लें। हम कह रहे हैं तुमसे, ऐसा आशीर्वाद होगा मां का कि जिंदगी में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। इसे नहीं होगी ना तकलीफ? नहीं होगी ना तकलीफ आपको? एक मिनट, क्या हो गया भैया? ना ना, हो गया तो इसमें ऐसे रात फाड़ फाड़ के हंसने वाली क्या बात है? हमने कौन से 8-10 बच्चे पाले? अरे मुरली जी, अपनी शक्ल तो देखिए जरा। आप देखेंगे ना तो आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। जरा देखिए तो, कैसे बड़े बड़े कामों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं? हाँ, ये बच्चों का डायपर बांधना कोई आसान बात थोड़ा ही ना है। एक काम तुम करके दिखाओ ना, तुम आने आओ दिखाओ। ये देखिए, इसको ऐसे किया और ये यहाँ लगा, बस ये लीजिए, हो गया। हाँ तो हम भी तो यही करने जा रहे थे, तुम आ गई बीच में। तुम अगर हंसती नहीं ना तो तुम्हारे से पहले करके दिखा देते हम। वैसे माफ कीजिएगा मुरली जी, हम तो हैं ही ऐसे, हर किसी का काम बिगाड़ते, लेकिन आप जरा नीचे तो झुकिए। क्यों? अरे आपके ये ताजमहल जैसे सफेद जगमगाते चेहरे का असली रंग लाना है ना, जरा देखिए। कुछ नहीं आता, कितना मुश्किल है ना दो दो बच्चे संभालना। दो बच्चे कहाँ, हमारे एक ही तो है, ये क्या सामने? ये तो है ही हमारा बच्चा मुरली जी, लेकिन आप भी तो हैं जो हमारे सामने खड़े बच्चे बनके। हम बच्चे हैं? बच्चे हैं? बच्चे हैं? चलो बच्चे ही सही, औरतों का तो फर्ज है बच्चों को संभालना, और भगवान ने इतनी ताकत दी है कि उनके आगे हम सब कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अब हमारी बारी है, हमें बाहर जाके अपनी ताकत दिखानी है, फैक्ट्री के लिए लेट हो रहे हैं। ठीक है चलो, टाटा बाय बाय बाय, चलो आते हैं। बाय कर दो। चंदा है